सिक्स प्रॉब्लम्स के अलग अलग जो पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और वो ऑडियो कॉल से वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं, उनको हम इलाज करते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके सामने बताता हूँ और वो कैसा हमने ट्रीट किया, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी ऐसा होगा, आपके परिचित उनको भी ऐसा होगा, तो आप जब शेयर करेंगे तो लोगों को इसका फायदा जरूर होगा। तो ये एक 26 साल का लड़का है और इन्होंने बताया कि भाई पिछले महीने में ही शादी हो चुकी है और शादी के बाद में इसका एक या दो मिनट में ही जल्दी गिर जाता है। तो इसको भी समाधान नहीं है और पत्नी को भी समाधान नहीं। अब क्या हो गया कि पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको सब मालूम है और वो फिर अभी चिड़चिड़ कर रही है कि भाई उसका समाधान नहीं हो रहा है। फिर बोलते कि तुम आदमी में नहीं है, तुमको जमता ही नहीं है, मतलब उसको उल्टा पुल्टा बोलना और झगड़ा झंझट चालू हो गए। फिर वो बोल रही है कि तुम्हारी लिंग की साइज छोटी है। उसको बोला ये कहाँ से तूने देखा, बोले मेरी सहेलियाँ जो ऐसा ऐसा बोलती है, मेरी सहेलियाँ ऐसा बोलती है कि उनका आधा आधा एक घंटा एक एक घंटा चलता है। फिर मेरी सहेलियाँ बोलती कि हम रात में 4 बार करते हैं। तो उसकी वजह से ये विचलित है उसकी पत्नी और फिर उसके साथ में झगड़ा करती, झंझट करती रहती है। दिन में भी चिड़चिड़े है, बहुत डिबेट होता है, क्वारल होता है और अभी वो थ्रेट कर रही है कि भी मैं निकल जाऊंगी मायके। अभी हमने उसको असेसमेंट किया तो उसका सब नॉर्मल था, मतलब सब कुछ तो ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि आपका जल्दी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है और एक्साइटमेंट की वजह से जल्दी गिर जा रहा है। आपको एक्साइटमेंट कम करना होगा। अब एक्साइटमेंट कम करने के लिए मेडिसिन है, सेक्स थेरेपी है, स्क्विज टेक्निक है, लोकल ऑइंटमेंट, लोकल स्प्रे, सब कुछ में ना हम करेंगे इस्तेमाल और ठीक करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप ये ध्यान में रखो, मैं उसको काउंसिलिंग कर रहा था तो ये समझ में आया कि भाई आपका छोटा नहीं है। देखो 1.5 इंच से कम है तो छोटा है, मतलब देखो आपका 1.5 इंच से कम थोड़ी ज्यादा ही है। तो फिर वो क्यों ऐसा बोल रही, बोले उसने सुना है किसका, नंबर एक उसने पॉन देखा है तो पॉन में देखता है कि 7 इंच है 8 इंच है 9, उसको लगता है कि छोटा है भाई अपने पति का। और दूसरा उसको समाधान ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी जो शादीशुदा औरतें हैं उसमें से 50 से 75% महिलाओं ने यह बोला कि उनका समाधान जो होता है वो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से होता है, सेक्स करने से होता नहीं है। 50 से 75%, इसका मतलब ये हो गया है कि फोरप्ले जब आप करते हैं तो फोरप्ले लंबा होना चाहिए, फोरप्ले में क्लाइटोरिस मतलब योनि लिंग जो है, जो लिंग है स्त्री का जो योनि के ऊपर रह रहा है बाजू में दाने जैसा, उसको स्टिमुलेट करना, उससे उसका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है और उससे उसको ऑर्गेज्म आना बहुत जरूरी है। क्योंकि 50 से 75% औरतों ने यह बोला कि सिर्फ इंटरकोर्स किया, योनि में लिंग का प्रवेश हो गया और इंटरकोर्स किया, उससे उनका समाधान हुआ नहीं। तो मैंने उसको यह सिखाया कि भाई आपके औरत का समाधान नहीं हो रहा है, एक तो आपका जल्दी हो रहा है नंबर एक, और नंबर दो आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते नहीं, आप फोर प्ले करते नहीं हो। पहले फोर प्ले करो 5 से 15 मिनट, उसमें क्लाइटोरल स्टिमुलेशन होना चाहिए, ब्रेस्ट का स्टिमुलेशन होना चाहिए, किसिंग होना चाहिए, सब बॉडी पार्ट्स की जहां जहां उसको एक्साइटमेंट आता है उसका एक्साइटमेंट करके वो एक लेवल तक आना चाहिए और बाद में इंटरकोर्स आपने चालू करना है। तो उसको मैंने दवाई भी दिया कि जिससे इजैकुलेशन लेट होता है, डिलेड इजैकुलेशन होता है, उसमें डेपॉक्सिटिन है, थायोराइडेजिन है, बेंजोडाइजिपिन्स है, और उसके साथ साथ मैंने फिर टाडालाफिल उसको दिया। तो ठीक है ये रखे देखो, और इसका फायदा नहीं, बोले मेरे को टाडालाफिल से तो कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है वरदानाफिल लो। तो उसको वरदानाफिल दिया मैंने और फिर मैं अभी बताओ मेरे को रिपोर्ट करो। जैसा मैंने उसको सिखाया वैसा उसने किया और उसको वाइफ को भी मैंने बोला अगली बार लाओ। फिर वाइफ को भी मैं समझाया कि आपके मन में जो है कि नहीं नहीं वो छोटा है, तो वो छोटा नहीं है, औरत का समाधान नहीं हो रहा करके वो बोल रही छोटा है, और पॉन्स में देखा है इसलिए बोल रही वो छोटा है। मैंने बोला पॉन में सब एक्टिंग चल रही, पॉन ये फिल्म है, मूवी है, मूवी में क्या होता है, मूवी में सत्यता नहीं रहती है, मतलब वो जो वहां के एक्ट्रेस है वो सब सिलेक्टेड लोग है, उनको आवाज करना चिल्लाना और उसमें अलग अलग पोजेस देना सब आर्टिफिशियल है, रियल थोड़ी है। तो वो देख के दिया, आप रियल लाइफ की बात करें तो वो नहीं हो रहा है। तो सब समझाने के बाद में वो समझ गए। मैंने उनको स्क्विज टेक्निक भी सिखाया
फीमेल सुपीरियर पोजीशन सिखाएं, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका ऐसा हो गया कि नहीं नहीं अभी बहुत जल्दी गिर रहा है, तो पहले आप हस्तमैथुन करो, पहले मास्टरबेशन कर लो, और मास्टरबेशन करके फिर सेक्स करो ताकि आप उस समय तक चलेंगे। ये सब करने के बाद में उसने मुझे फिर 8 दिन बाद में आके बताया कि अभी सब कुछ ठीक है, औरत भी खूब अच्छी है, मतलब ठीक है, और उनका लाइफ अच्छा चल रहा है। फिर आपको अच्छा लगा तो सभी नौजवान नवविवाहित जो लोग हैं ना, कपल्स हैं, उनको ये शेयर करो ताकि उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा। फिर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।